हिमाचल प्रदेश में घटित जल प्रलय से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने ही संसाधनों से पैसा जुटाया है और बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर चुनाव क्षेत्र में लोगों का दुख दर्द जानने के लिए खुद पहुंचे। ये बात प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने मंडी जिला के लूणापानी में 65 लाख रूपये की लागत से निर्मित ई किसान भवन का लोकार्पण करने के बाद किसानों को संबोधित करते हुए कही। वहीं उन्होंने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी पोल उस वक्त खुली जब उनके क्षेत्र में अवैध रूप से काटी गई स्लीपर्स व्यास नदी में बहते हुए पौंग डैम तक पहुंच गई और कॉरपोरेशन को उन स्लीपर्स को इकट्ठा करने में कई दिन लग गए। चंद्र कुमार ने कहा कि हमारे प्रदेश के चुने हुए सांसदों का भी फर्ज बनता है कि वे केंद्र सरकार से इस मसले को उठाए ताकि प्रदेश में लोगों को आपदा से राहत मिल सके। सबसे बड़ी आपदा की घड़ी इस वक्त सारे हिमाचल प्रदेश में हो रही है, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। मैंने भी इस प्रकार की वो प्राकृतिक प्रकोप जल पर लाई है। आज पूरी का पूरा मनाली ऐसे नजर आता है जैसे खड़ बनी है और उस प्राकृतिक प्रकोप से उस जल प्रलय से आप लोग भी अशुभ में हैं और हमने और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने ही साधनों से पैसा जुटाया और बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम किया। हर एक चुनाव क्षेत्र में वो खुद गए, हम भी अपने अपने चुनाव क्षेत्र के साथ साथ दूसरे चुनाव क्षेत्रों में भी गए। ये आपका जितना ब्यास का पानी है वो मेरे चुनाव क्षेत्र में पहुंच जाता है। मैं इस बार आपके पूर्व मुख्यमंत्री को कह रहा था कि इस जल प्रलय से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आपके इस इलाकों में जहां जहां भी लोगों ने जंगल अवैध रूप से काटे थे शरीर को रखे थे वो सारे के सारे पौंग डैम में पहुंच गए हैं और पौंग डैम जो है वो मेरे चुनाव क्षेत्र में है और वहां पर कितने ही दिन जो है वो कॉरपोरेशन को उनको जो है वो इकट्ठे करने में लग गया और जब पौंग डैम का पानी छोड़ा गया तो नीचे की सारी हमारे लोगों की फसलें तबाह हो गई। हमने वॉइस सर्वे किए और अपने साधनों से हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपना पैसा जुटाया। हमारे जो चुने हुए एमपी हैं उनका भी फर्ज बनता है कि सरकार से बातचीत करें। मुख्यमंत्री कई बार के हमने कोई राजनीति नहीं इस तरह की, हमने कहा कि एक मानवता के नाते मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, होम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, हमारा अपना विज्ञापन जाना चाहिए, इसका सर्वे होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो कुछ पैसा हमें उस किस्तों से मिला हमने उसमें से और कुछ मुख्यमंत्री जी ने अपना आपदा प्रबंध का कार्यक्रम करके 4,500 करोड़ का एक पैकेज जो है वो अनाउंस किया। इसी बार आपने देखा कि आपके यहाँ के ही मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, इस प्रकार के घोटाले जो है वो भर्तियों में हुए। जो सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन हमीरपुर था उसके अपने ही सरकारी नौकर जो थे वो पेपरों को लीक करते, जो गरीब बच्चा कोई बेचारा मैरिट में आया उसको विरोध किया गया। हमने सारी की सारी जहाँ जहाँ भी हमने देखा कि इसमें गड़बड़ी है उन भर्तियों को हमने खत्म किया और जहाँ गड़बड़ी है कि हमने रिजल्ट निकाली अभी दोबारा जो है सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन जो है इसको दोबारा हमने चालू किया। कम से कम जो भर्तियाँ होती हैं सरकारी नौकरी में लोग जाते हैं हमें कम से कम मेरिट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पुलिस की भर्तियों में करोड़ों रुपये का लेन देन हुआ। अगर हमारे नेताओं के आंखों के सामने हमारे नीचे इस प्रकार के घिनौना काम किया वो तो लोगों को इस प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास उठ जाता है।